सो है गाइस, सुबह हो गई। अभी हम कुछ देर सो के उठे हैं, देखते हैं टाइम कितना हो गया है। अभी टाइम हो गया है 7:30। तो आज हम अपने खेत में आए थे यहाँ देखने कि हमारे गांव में आजकल मोटर की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारे घर वाले बोले बेटा खेत जाओगे कि भैया भैया जा रहे थे, और इधर काफ़ी टाइम तक हम सो गए। तो ये भाई लोग अपन के इधर आए हैं भैया लोग जगाने कि भैया क्या कर रहे हो, सो रहे हो इतने टाइम से। सभी को नमस्कार। मच्छर से बचने के लिए हम सब ये मच्छरदानी लेके आए थे। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारा छोटा भाई है। मच्छरदानी है, बहुत अच्छे मच्छर। तो गाइस चलते हैं। ये हमारा बिस्तर था, ये पोर्टेबल रहता है, हम खेत में ले आते हैं। तो गाइस हम चलते हैं, देखते हैं हमारे खेत में पानी कितना लगा है। ये देखो खेत तुम्हारा सब जगह पानी पानी से लग गया है। पानी पानी हो गया पूरा, सही पानी। हम आपको बैक कैमरे से ले जाते हैं दोस्त। पानी तो अच्छा खासा लग चुका है, उधरने का खेत है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। पूरे गर्मी के 2 महीने में कम से कम 4 से 5 बार पानी देना पड़ता है, इतना ज़्यादा पानी नहीं मिलता है। देखो कितना नशे में 1.5 फीट पानी भर चुका है। अरे भैया बहुत फिसल रहा है पाँव यार, रिस्क है। जहाँ तक दिख रहा है सब अपना ही है, ये वाला पूरा हिस्सा अपना है। सारी रात चल रहा था ऐसे मौका, कभी इसका पानी लगा नहीं, ना मुँह वगैरह भरते हैं। धनिया लाना लाना चाहिए, हमारी भी सुबह हो गई अच्छे से। इस खेत में हमने 2 मोटर लगा रखे हैं क्योंकि बड़ा प्लाट है तो पानी की काफ़ी जरूरत होती है, एक साथ भरता नहीं है। लाइट भी यहाँ हमारे ऐसे देता है, लाइट ना के बराबर ही आती है। 10 से 12 घंटा लाइट देता है हमारे यहाँ, हो लाइट होना ना होना एक ही बराबर है। बड़ा दीपावली तेल भाई, तार को भी देख के चलना है। सब जगह अच्छे से बराबर पानी लग गया है। हाँ सारी रात मोटर चला है, 2-2 मोटर। यहाँ एक उधर वाला पूरा टेबल मोटर है, यहाँ एक ये परमानेंट जर उधर से आता है। जल्दी से देखते हैं, हमने लगाए थे 2 मोटर। चल रहा है, पीछे भी खेत लग गया अच्छे से। ये भी ऊंचे वाला खेत है, ये अभी नई बुआई हुई है, इसमें कीड़े लग रहे हैं। और इसमें कीड़े दिखाते हैं कैसे लगे हुए थे। हाथ दो भैया, आ जाइए, पहुंच गए। ये नई बुआई है, गन्ना पे है।
काफ़ी कीड़े लगे हुए हैं, खाते इसमें कीड़े हैं कि नहीं है। देखो छोटे छोटे से कीड़े गन्ने के खेत में लग रही है और ये पौधे सुखा दे रहे हैं, कीड़ा है ना। हाँ। ऐसे मोटे मोटे भी कीड़े जो जैसा पौधा है ऐसे ही है। हाँ हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ऐसे बीच बीच से सूख रहे हैं, इसमें कीड़े लग गए हैं। अब ऊपर वाले खेत में चलते हैं, मौसम दवा डाल रहे हैं इसी के लिए कीड़े मर जाएं। और हमारे बड़े भैया जी इसमें रुको एक मिनट, चलो भैया का हाथ बटाते हैं थोड़ा सा, इधर बंधक लगाते हैं। अब इधर एक बंधक लगाना है। कितना दूर भैया, कितना दूर? चलो भैया का हाथ बटाते हैं थोड़ा सा, इधर बंधक लगाते हैं। इसमें पानी लगने वाला है, गन्ना अभी सूख रहा है, इसे देखो। ऐसे हम बंधक लगाते हैं, किधर बात? इधर एक बंधक लगाना है। कितना दूर भैया, कितना दूर? आइए भैया जी से मिलते हैं। भैया पूछते कौन सा बीज कौन से खेत में लगा है। ढेर सारे किसी अलग अलग क्वालिटी के बीज हैं। भैया इधर वाला कौन सा करना है? 1523 है भैया। इसका क्या ख्याल रखिए? ये बहुत ज़्यादा बढ़वार करता है, वजन ज़्यादा होता है। है। इसमें जो कीड़े लग रहे हैं कौन सा बीज? इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं भैया। 118 केड़ी वाला करना है, नीचे वाला वो सबसे जो पानी लग रहा था। COG 85 बगल में 014 है। इसमें दिखाते हैं कीड़े कैसे लग रहे हैं। मोटे मोटे कीड़े हैं, गन्ना पूरा सुखा दे रहे हैं। इधर देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसके लिए दवा का छिड़काव भी हो रहा है। इतने मोटे मोटे कीड़े लगे हैं पूरे गन्ने में, ये पूरा गन्ना खा जाता है। ये रहा कीड़ा, मिल गया। मीठा गन्ना है। मीठा गन्ना होता है। उधर देखते हैं। इधर आते हैं उस वाले में जिसमें दो दो पौधे लगे हैं गन्ने में। 13 सो हम आगे दूसरे वाले खेत में, इधर देखते हैं। हमारा ये खेत है जिसमें मूंग का पौधा। अरे भाई साहब ये तो पैर, अरे मेरा तो चप्पल उखड़ गया यार, चप्पल भी उखड़ गया। इसे हाथ में ले लेते हैं फिर देखते हैं। ये देखो इसमें मूंग की खेती की गई है और गन्ने की। इस गन्ने का वैरायटी है 14201। इसमें हम मूंग डाले हैं
मूंग ये है, मूंग पत्ता सड़ेगा, इसका फल भी निकल जाएगा, और इसमें मूंग के जड़ में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन ये इसकी जड़ें सड़ेंगी, नाइट्रोजन मिलेगा तो हमारा गन्ना जो है और ज़्यादा अच्छा होगा। फिर देखते हैं, मूंग भी फड़ा है। ये ऊपर वाला हिस्सा, हमारे यहाँ नील गाय होती हैं, ये जंगली जानवर हैं, तो ये मूंग खा ली हैं, वो सब ऊपर का अच्छा खासा मूंग भी निकल जाता। ये देखिए, सारे खेत में ऊपर वाली जितनी शाखाएं थी, सो आप देख रहे हैं ऊपर की शाखाएं जितनी थी सब नील गाय खा चुकी हैं। ये मूंग का जो पौधा होता है सड़ता है तो नाइट्रोजन बहुत अच्छा देता है, नाइट्रोजन से इसकी जड़ों में नाइट्रोजन जो होते हैं, ये जो अगली फसल होती है इसके बाद वाली वो बहुत तगड़ी होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ मूंग भी अच्छा खासा फरा हुआ है, यहाँ ये पौधा नीलगाय नहीं खाई है। देखिए, देखिए कैसे फरा हुआ है, ये हमारा समरसीबल है, ये अंदर डाला गया है, तो वीडियो बंद करते हैं, चलते घर नाश्ता वास्ता करते हैं। आज हमारी चाची, बुआ और छोटा भाई जाने वाला है दिल्ली, उनके लिए भी तैयारियां करनी है।